एक्ट्रेस कंगना रनौत फिर से अपने ट्विटर के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या किया है उन्होंने ट्वीट, आइए बताओ मैं आपको। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनौत जिन्होंने काफी ज्यादा ट्वीट्स किए हैं किसानों के खिलाफ, वो नहीं चाहती कि किसानों का आंदोलन चलता रहे और इसीलिए किसानों ने भी उनको काफी ज्यादा ट्वीट किए हैं और बहुत बड़ा वॉर चला है ट्विटर पे कंगना और किसानों का। और दिलजीत और कंगना की लड़ाई को कौन नहीं जानता, लेकिन अब कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करते करते हो गई है ट्रोल। जी हां, कंगना की फिल्म आ रही है जिसका नाम है धाकड़ और उसके कुछ स्टिल्स कंगना ने अपने सोशल मीडिया पैक किए हैं शेयर। और जो कैप्शन लिखी है कंगना रनौत ने, उसके कारण एक्ट्रेस कंगना रनौत को ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। जी हां, कंगना ने तो स्टिल्स कर दिए हैं शेयर, लेकिन अपनी कैप्शन पे उन्होंने माँ भैरवी के साथ अपने आप को कंपेयर कर दिया है और लोगों ने इसी के चलते उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है कंगना को कि माँ भैरवी का नाम लेना क्यों ज़रूरी था, और कंगना ने ये लिखा है कि वो अपने करेक्टर को माँ भैरवी से इंस्पायर करती हैं। जी हाँ, कंगना एजेंट अग्नि का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी फिल्म धाकड़ में और उन्होंने माँ भैरवी का नाम इस्तेमाल किया है जो गॉडेस ऑफ डेथ हैं, और लोगों ने उनको इसी के चलते ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि भगवान का नाम लाना ज़रूरी था। और भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं लोगों के जिसके कारण कंगना को ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। बता दें, कंगना के साथ साथ अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी इस मूवी में नजर आएंगे और इसके पहले काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स भी शेयर कर दिए हैं कंगना रनौत ने इस पिक्चर के, और दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल की लुक को भी कर दिया है मेकर्स ने रिवील, और जल्द ही ये मूवी रिलीज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल रिलीज होने से पहले ही कंगना रनौत की ये फिल्म और उनके कुछ स्टिल्स ट्रोलिंग का हो गए हैं शिकार। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कंगना की इन स्टिल्स पे और कंगना की इस कैप्शन पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।